कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप होता है तो हमारे दिमाग में बात आता है कि यूके ने किया होगा, यूएसए ने किया होगा, चाइना में डेवलप हुआ होगा, पर एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो इंडिया में डेवलप हुआ और पूरी दुनिया इसके बारे में बात करी है। शायद ही ये टेक्नोलॉजी किसी कंट्री में डेवलप हुई होगी, यूपीआई। यूपीआई एक सिक्योर पेमेंट सिस्टम है और इंडिया ने इसे इम्प्लीमेंट किया और आज के टाइम में एक दिन में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 22 करोड़ के आसपास है और एक महीने में 10 लाख करोड़ ट्रांजेक्शन से ज़्यादा होता है। आज के टाइम में हम कहीं भी और कभी भी 2 से 3 सेकंड में इजिली पेमेंट कर पाते हैं, वो चाहे सब्जी की दुकान हो, शॉपिंग मॉल हो, हम हर जगह यूपीआई के थ्रू बहुत इजिली पेमेंट करना सीख गए हैं। यहाँ तक कि गूगल ने यूएसए को सजेस्ट किया है कि हमें भी यूपीआई जैसा कुछ पेमेंट सिस्टम रखना चाहिए। आज के टाइम में यूपीआई जैसा सिक्योर पेमेंट हर कंट्री अपने देश में लाना चाहती है। यूपीआई जो 2016 में लॉन्च हुआ और 2022 आते तक इतना फास्टली ग्रो किया यूपीआई ने कि आज डिजिटल पेमेंट में हम नंबर 1 पे आते हैं। यूपीआई के ग्रो होने के 4 मेजर रीजन है। फर्स्ट है बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन, कि हम जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन हो जाता है। और सेकंड है नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इसमें ट्रांजेक्शन करते समय हमें कोई भी ट्रांजेक्शन फी नहीं देनी पड़ती, यहाँ तक कि हम ट्रांजेक्शन करने पर हमें कैश बैक भी मिलता है। थर्ड है फास्ट ट्रांजेक्शन, हम यूपीआई के थ्रू बड़े ही फास्ट तरीकों से 2 से 3 सेकंड में ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। और चौथा है 24 घंटे अवेलेबल, हम कभी भी 24 घंटे कभी भी ट्रांजेक्शन कर पाते हैं बहुत ईजिली। सर फीचर्स के कारण बहुत सी कंट्री चाहती है कि यूपीआई बेस्ड सिस्टम हम भी अपने कंट्री में ले आएं। से आज के टाइम पर ग्लोबल पर यूपीआई का एक्सेप्टेशन कैसे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम आज तक कार्ड से पेमेंट करते आ रहे थे, जिसमें हम कार्ड में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ करते थे, उसमें ज़्यादा ही टाइम कंज्यूम होता था, क्योंकि हम डेबिट कार्ड जब एंटर करते थे पेमेंट गेटवे एंटर करना पड़ता था। और यूपीआई के थ्रू हम 2 से 3 सेकंड में एक बैंक से दूसरे बैंक में बड़े ही इजीली ट्रांजेक्शन कर पाते हैं और बिना कॉस्ट दिए। आप सबके लिए एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है, बहुत सारी कंट्री ने अपने देश में यूपीआई लाने के लिए इंडिया के साथ एमएयू साइन किया है, यानी एमपीसीआई जो यूपीआई को ओन करती है उसके साथ एमएयू साइन किया अपने अपने कंट्री में यूपीआई पेमेंट लाने के लिए। सबसे पहले भूटान है, जो जुलाई 2021 में उन्होंने अपने कंट्री में यूपीआई बेस्ड पेमेंट लाने के लिए उन्होंने एमएयू साइन किया। यूके के पास पेमेंट प्रोवाइडर है पे एक्सपर्ट, और उनका कहना है कि हम अपने एंड्रॉइड फ़ोन में क्यूआर बेस्ड सिस्टम लाएंगे। रिसेंटली फ्रांस ने कहा है कि हम यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। अब हम इंडियन इन कंट्री में ट्रेवल करेंगे तो यूपीआई के थ्रू बड़े ही इजीली अब पेमेंट कर पाएंगे। वैसे हमें फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने के लिए कैश एक्सचेंज कराना पड़ता है, जिसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था, यहाँ तक कि हमें इंटरनेट बैंकिंग के लिए भी हमें कार्ड का यूज़ करना पड़ता था, पर अब ये सब यूपीआई के थ्रू हम 2 से 3 सेकंड में हर जगह अपनी इजिली पेमेंट कर पाएंगे। यूपीआई से पेमेंट करना बहुत ईजी होता है, इसलिए हर कंट्री चाहती है कि हमारे पास भी यूपीआई जैसा एक पेमेंट सिस्टम हो। बहुत ही जल्दी पूरे कंट्री में यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो जाएगा और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अब यूपीआई एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है और उसमें बहुत सारे नए फीचर्स आने वाले हैं। ग्लोबल फिटनेस टेस्ट जो मुंबई में हुआ था सितंबर 2022 में, शक्तिकांत दास ने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट फीचर बहुत अमेजिंग होगा, जिसमें पहला फीचर है यूपीआई प्लस क्रेडिट कार्ड, यानी हम क्रेडिट कार्ड को भी अब यूपीआई के थ्रू अटैच कर सकते हैं। यानी अभी तक हम यूपीआई में सिर्फ बैंक और डेबिट कार्ड को अटैच कर पाते थे, पर अब हम क्रेडिट कार्ड को भी अटैच कर पाएंगे। अभी तक ये फीचर रुपे क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल थी, अब धीरे धीरे ये सारे क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल हो जाएंगी। और सबसे खास बात है कि हम क्रेडिट कार्ड से जितना भी स्पेंड करते हैं उसमें हमें क्रेडिट स्कोर मिलता है, उसे हम अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एंड है यूपीआई लाइट, यूपीआई लाइट के थ्रू हम बिना इंटरनेट के 50, 100, 200 तक अप टू 200 रुपए तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिना इंटरनेट के। यूपीआई लाइट एक वॉलेट की तरह काम करेगा, उसमें आप 2000 रुपए तक रख के आप छोटे मोटे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिना इंटरनेट के। यहाँ तक यूपीआई लाइट के थ्रू हम पेमेंट करेंगे छोटे मोटे तो हमारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री अलग रहेगी, जिससे कि हम बहुत सारे पेमेंट करते तो हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ पेमेंट कर रहे हैं, जिससे हमारी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन मिस हो जाती है। जैसे कि हम जितने भी छोटे मोटे ट्रांजेक्शन करेंगे उसे यूपीआई लाइट के थ्रू करेंगे, और हम अपनी यूपीआई हिस्ट्री को चेक करेंगे तो हमें वहाँ बड़े बड़े ट्रांजेक्शन दिखेंगे और छोटे मोटे ट्रांजेक्शन यूपीआई लाइट के थ्रू दिखाई जाएंगे, ये बहुत अमेजिंग हो सकता है। थर्ड है यूपीआई 1, 2, 3, जिसमें आपको इंटरनेट की भी नहीं ज़रूरत है और ना ही स्मार्टफोन की। अभी भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे स्मार्टफोन नहीं है, और यूपीआई 1, 2 के थ्रू आपको यूपीआई के नंबर पे कॉल करना है और आपके ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। अब यूपीआई इन सब फीचर से बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है, अब बहुत ही जल्दी बहुत सारी कंट्री में यूपीआई के थ्रू पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।